फोर्थ एंड कार्टिलेज इज कार्टिलेज ऑफ सेंट ऑर्नी। क्लियर है? नंबर में बेसिकली इट इज वन पेयर, नंबर में बेसिकली इट इज वन पेयर। नोड लाइक कार्टिलेज होती है, नोड मतलब जानते हो ना, ग्रह जैसे बैम्बू में होती है ना ज्वाइंट नोड, वैसे ही नोड लाइक कार्टिलेज। क्लियर टू एवरीवन? यस। हाँ, और ये एंड में प्रेजेंट होती है, पता नहीं आ रही क्या, एंड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एरिड एनवाई। क्लियर? अरे बात मान लिया। अगर देखा जाए इन लैरिंग्स, ये है बेसिकली अ टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड दैट इज प्रेजेंट फॉर साउंड प्रोडक्शन। हाँ कि ना, वहां पर एक एंटीरियर वाला होगा और एक पोस्टीरियर वाला होगा। जो एंटीरियर वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। हाँ कि ना, क्या बोलते हैं? फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो बेसिकली आप एक इस तरह के पॉइंट लिखिएगा, इन लैरिंग टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट फॉर किस काम के लिए? फॉर साउंड प्रोडक्शन। और इस साउंड प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? फोनेशन बोलते हैं। क्या? फॉर साउंड प्रोडक्शन। इसी साउंड प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? फोनेशन। बेसिकली जो टू पेयर ऑफ जो कॉर्ड होती है ना, इसमें जो पहला वाला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर, एक तो होता है एंटेरियर वाला पार्ट, आगे ना जो एंटेरियर वाला आगे वाला होगा इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स कॉर्ड। क्या बोलेंगे? फॉल्स वोकल कॉर्ड। क्लियर है? बेसिकली इट इज कंपोज ऑफ मेम्ब्रेन, आगे ना दे आर पिंक इन कलर, दे आर पिंक इन कलर एंड डो नॉट हेल्प इन व्हाट आई कैन से फोनेशन, मतलब साउंड प्रोड्यूस में ये हेल्प नहीं करता है। आगे ना सिंपली ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पीछे वाला, दैट इज द पोस्टेरियर, यस और नो? इसको बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू वोकल कॉर्ड। आगे ना बेसिकली जो कंसिस्ट होता है किसका? YFCT। YFCT का मतलब येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि शीथ, मतलब बेसिकली इट इज कंपोज ऑफ शीथ ऑफ YFCT। शीथ का मतलब होता है लेयरिंग, आगे ना देयर आर सम लेयर ऑफ YFCT, मतलब येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? ये लेयरिंग के पार्ट होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा किसके बारे में? ट्रेकिया के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया बेसिकली क्या होता है? इट इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है? और एक कहां तक जाती है? एक्सटेंड टिल मिड थोरेसिक कैविटी, एक्सटेंड टिल मिड थोरेसिक कैविटी। ये सर नो? अरे बोलो ना। इन ट्रेकिया वी हैव 16 टू 20 सी शेप कार्टिलेजिनस, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। क्लियर है? आर प्रेजेंट। आगे ना, अच्छा इनका रिंग होने का रीजन क्यों, मुझे एक्सप्लेन कर सकता है?
उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। नेक को, नेक को मतलब वो हेल्प इन, हेल्प टू प्रिवेंट, आगे ना प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, क्लियर है। और जो इनकम्प्लीटनेस होती है तो आगे होती है बैक साइड में, बोलो। रिंग्स आर इनकम्प्लीट फ्रॉम वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड? डॉर्सल ऑन डॉर्सल साइड, मतलब बैक साइड से क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। अब इनकम्प्लीट का मतलब ये नहीं कि ऐसे होगा, ये एक फाइबरस लेयर से जॉइंटेड होती है। जैसे मैं कैसे बताऊं, मतलब ये जो सामने वाला पार्ट है ना, जो डॉट का, ये खाली नहीं होती है, एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, आगे ना। अगर कभी आपने किसी का ऐसा देखा हो तो ऑन डॉर्सल साइड। टिल नाउ किसी को दिक्कत है? हेलो, शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes. So, जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मतलब इसी में से नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, मतलब क्या जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे, ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री इसको बोलेंगे बी टी यहाँ के ना, एंड आर टी क्या बोलते हैं, आर टी मतलब रिस्पिरेटरी ट्री। अरे बात समझ में आई का? हाँ सर, हाँ सर, कौन है? चलो कोई बात नहीं, ब्रोंकियल ट्री एंड रिस्पिरेटरी ट्री। ब्रोंकियल ट्री को हम लोग बीटी बोलेंगे इन शॉर्ट, एंड रिस्पिरेटरी ट्री को आरटी बोलेंगे इन शॉर्ट। When we analyze the lungs, the trachea when extends to mid thoracic cavity or mid thoracic cavity में दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। कितने पार्ट में? It divides into two parts. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Primary bronchus बोलेंगे। Yes or no? इसमें next point लिखिएगा, when trachea enter into thoracic cavity, enter into thoracic cavity, it divides into two branches. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन branches को प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं, सिंगुलर ब्रोंकस और प्लूरल ब्रोंकाई। यस और नो? यस, प्राइमरी ब्रोंकस, आगे ना। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि किस लेवल पे, कौन से वर्टिब्रे के लेवल पे ये डिवाइड होती है, क्या किसी को मालूम है? Yes. So at the level of fifth thoracic vertebrae अलग अलग होता है, thoracic होता है, cervical होता है, उसके नीचे वाला होता है, हाँ कि ना? Yes sir. Fifth thoracic vertebra या vertebrae बोल सकते हैं, क्लियर? Yes sir. हाँ, और ये जो प्राइमरी ब्रोंका या प्राइमरी जो ब्रोंकस है, ये फर्दर आगे बढ़ता है कुछ इस तरीके से, इधर से ट्रेकिया आया, फिर थोरेसिक इसमें ये डिवाइड किया, हाँ कि ना, फिर ये फर्दर आगे डिवाइड करता है, यस, फिर ये डिवाइड करता है इस तरीके से, फिर ये डिवाइड करता है,
फिर ये डिवाइड करता है इस तरीके से, ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया, इस तरीके से डिवाइड करते रहता है। फिर इसके ब्रांच फर्दर डिवाइड करते हैं, हाँ कि ना? अरे बोलो ना। हाँ सर। इस तरीके से ये डिवाइड करता रहता है, हाँ कि ना? तो मैंने क्या बोला, प्राइमरी ब्रोंकस एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, ये दो पार्ट में, मतलब जो ऐसे ट्रेकिया दो पार्ट में बढ़ जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं, आगे ना। देन फिर देयर आर सम ब्रांचेस ऑफ क्या, प्राइमरी ब्रोंकस, आगे ना। बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे कि कोई ट्री का ब्रांच, ट्री और उसके ब्रांचेस हैं, आगे ना। तो ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, जो ब्रोंकाई से फर्दर ओरिजिनेट होगा उनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल बोलेंगे, आगे ना। हाँ सर। जिनकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, बीटी बोलते हैं। अब बीटी का फुल फॉर्म ब्रोंकियल ट्री तो ये होता है, समझा क्या, ब्रोंकियल तो ये होता है और वो है ब्रोंकियल। व्हाट माय पॉइंट, क्लियर टू एवरीवन? टर्मिनल ब्रोंकियोल से जो फर्दर फिर डिवाइड करेगा, हाँ कि ना, डिवाइड मतलब उसके ब्रांचेस होंगे टू फॉर्म रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड ब्रांचेस ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, आगे ना, ब्रांचेस ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीवन, आरटी। आरटी का मतलब रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियल ट्री एज वेल एज रेस्पिरेटरी। इसी टॉप नेक्स्ट अबव दिस एक आप लोगों ने ना एक टर्म सुना होगा, डेड स्पेस वॉल्यूम, सुना है नहीं सुना है क्या, टेंथ में सुना होगा आप लोगों ने डेड स्पेस वॉल्यूम। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं, वैसे इसमें अपना टॉपिक भी है डेड स्पेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज इन योर ब्रीदिंग एंड एक्सहेलिंग। हां हां वो पढ़ा था, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो। अगर हम लोग एक बात और देखें, क्योंकि आपके पास ब्रोंकियोल्स के पास भी क्या होती है, रिंग होती है ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए, रीजन वही है, रिंग होने का मतलब वो कोलैप्स ना करे। सो इन ब्रोंकियल ट्री, in a bronchial tree cartilage rings are present, what do you get, while absent in respiratory tree, sunlight, अरे बोलो ना, while absent in respiratory tree, बदिकर है। एक सवाल, एक पॉइंट और है इसमें इंपॉर्टेंट, जो गैस का एक्सचेंज होती है वो कहाँ होना चाहिए, ब्रोंकियल ट्री में या रेस्पिरेटरी ट्री में, रेस्पिरेटरी ट्री, गैसियस एक्सचेंज
occurs in respiratory tree. Respiratory tree. While it is absent, it is absent in bronchial tree. कोई दिक्कत? अरे बोलो, जो कि bronchial tree में ऐसा absent होता ही नहीं, हाँ कि ना? बोलो। और जो respiratory tree का जो ending part होता है, जिससे वो बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? अल्वियोलाई बोलते हैं। उसी अल्वियोलाई को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या लाइफ बोलते हैं? लंग्स। लंग्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस। इसीलिए आप नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, नोट डाल करके एक पॉइंट लिखना, द वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या बोला मैंने? वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फिल्ड कहां पर? इन बीटी। बीटी का मतलब ब्रोंकियल ट्री। इसी को क्या बोलते हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। इन ब्रोंकियल ट्री को बोलते हैं डेड स्पेस मतलब आप खुद सोचो, क्या ये वाला जो स्पेस है या क्या जो जो अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पर रहेगा, क्या वो एक्सचेंज में टेक पार्ट करेगा? नहीं, क्योंकि ये वो एयर है जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो जाएगा, वही निकलेगा। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर जो वहां पर प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट है, कार्टिलेज इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। और जब कोलैप्स ही नहीं हो तो जहां जहां पर, सिंपल सी बात, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या है? हवा है। जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या है? हवा। हवा बोलते ना, हवा आंदे, पतली के लिए पकड़ ले, हवा आंदे। जहां पर कुछ नहीं वहां पर क्या है? हवा है। इसी हवा को क्या बोलते हैं? इसी एयर को बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, आगे ना। और इसी में कंटिन्यू करके इसको लिखेगा, दैट दिस अमाउंट ऑफ एयर डू नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज, यस और नो? यस सर। व्हिच डजंट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। और इसकी वैल्यू होती है कितनी? बोलो, 10-15 लीटर? नहीं। फिर कितनी होती है? 150 ml। अगर नीट में पूछा जाए कि डेड स्पेस वॉल्यूम कितनी होती है, तो बता पाओगे क्या? यस। हाँ सर। पक्का?